हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल। तो यार आज हम लोग बात करेंगे हेलो मिनी सीजन 2, जो कि फाइनली एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हो चुका है। इसमें आपको टोटल 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 25 मिनट से लेकर 28 मिनट्स के बीच में। ये शो की कहानी एग्जैक्ट सीजन 1 के बाद से ही स्टार्ट होती है। तो अगर आप लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा तो मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ कि रिवाना बैनर्जी उर्फ मिनी, जो कि अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है और मिनी का एक बॉयफ्रेंड भी है। खैर, अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मिनी मुंबई आ जाती है और यहाँ पर एक स्ट्रेंजर उसे स्टॉक करना स्टार्ट करता है। इतना ही नहीं, वो स्ट्रेंजर पूरी तरह से मिनी की लाइफ को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन कभी कभी स्ट्रेंजर उसकी हेल्प भी कर देता है। अब ऐसे में मिनी के साथ क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हेलो मिनी सीजन 1 विद लॉट्स ऑफ सेक्सुअल सीन्स। और इन्हीं सीन्स की वजह से सीजन 1 को हाफ वे में काफी लोगों ने देखना बंद कर दिया था। लेकिन अगर आप लोग पूरे 15 एपिसोड देखते तो आपको पता चलता है कि एक ऐसा इरोटिक थ्रिलर शो है जिसकी कहानी यूनिक है, बस का एग्जीक्यूशन थोड़ा सा खतरनाक है, जो मतलब हर ऑडियंस के बस की बात नहीं है। और वही सेम चीज सीजन 2 पे भी अप्लाई होती है, जहां पर फिर से हमें मिनी एक ऐसे सिचुएशन में देखने को मिलती है जो ऑडियंस को अच्छा लगता है। और इस बार एक ऐसी डार्क वेबसाइट बताई है जिसमें मिनी को क्या करना पड़ता है और उस साइट्स में क्या कुछ होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह थी कि उन डार्क साइट में जो जो चीज़ें करने के जो बिड लग रहे थे, 50 लाख, 65 लाख, 20 लाख, इस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। ये मैंने कभी डार्क वेब यूज़ नहीं किया है, अगर ऐसी चीज़ें होती है तो मतलब यार करोड़पति लोग होंगे लोग। उसके शो में आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो डिज़ाइन अच्छी तरह से नहीं किया उनको, और कुछ कैरेक्टर अपियर हो जाते हैं और फिर सडनली डिसअपियर भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको देखने में अच्छा लगता है क्योंकि मिनी को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। उसके अलावा इस शो की एक चीज़ वो मुझे बहुत अजीब लगती है, शायद जो इसके डायरेक्टर है उनको ये चीज़ बहुत पसंद है कि यार ब्लो जॉब के सीन सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों में ही देखने को मिलते हैं और काफ़ी देर तक दिखाते हैं। मतलब यार एक सीन समझ में आता है कि हाँ वहाँ पे चल रहा है तो उसको एक वो, लेकिन यहाँ पर इतना कंटिन्यूस शॉट उस पर्टिकुलर चीज़ पे होता है तो मतलब वो थोड़ा डाउटफुल होता है कि ये इंटेंशनली कर रहे हो या बस आपके पास कुछ स्क्रिप्ट में दम नहीं है तो शायद आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हो, या मुझे समझ भी नहीं आता है। उसके बाद शो की सिनेमेटोग्राफी ओके है, बीजीएम भी ओके है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, बस इस शो के हिसाब से बीजीएम एकदम परफेक्ट है। और एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो अनुजा जोशी, जिसने यहाँ पर मिनी का रोल प्ले किया, फर्स्ट सीजन में उसकी एक्टिंग में कुछ खास दम नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत सारी जगह पे वो ओवर एक्टिंग कर रही है या एक्टिंग करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सीजन टू में उसने थोड़ी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। उसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स थे उन लोगों ने डिसेंट काम किया। शो की एडिटिंग इस बार अच्छी की गई है, यानी कि 15 एपिसोड के बदले जो 10 एपिसोड है वो बहुत बहुत इनाफ है मैं तो बोलूँगा। और इस बार भी सीजन 2 कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि हमें सीजन 3 देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता कि ये एक ऐसी नॉवल पे बना जो 3 पार्ट्स में थी, तो अभी 2 कंप्लीट हो चुके, एक बाकी है। तो देखना है कि सीजन 2 ऑडियंस को कितना पसंद आता है। और अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करेंगे तो ये शो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि अननेसेसरी के बहुत सारे सेक्सुअल सीन्स से हैं जो आपको यहाँ पर भी देखना पड़ेगा अगर आप लोग इस शो को देखोगे तो। ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, मैं इसको रेटिंग दूंगा 6 out of 10। आपको देखना तो आप लोग देखो, अगर आपको नहीं देखना तो आप लोग मत देखो, ये आपको फ्री में IMAX प्लेयर पर देखने को मिल जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।